है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, रमज़ान डाइट से रिलेटेड। और मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लेट है, उसके लिए सॉरी, बट वी आर बैक। और सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, बस जल्दी से सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान में डाइट की जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है टाइम जोन की, कि फास्ट का तो पूरा रोज़े का टाइम बैठता क्या है, कि कहीं पे 11 घंटे का टाइम है, कहीं पे 15 घंटे का रोज़ा है, इस हिसाब से देखना पड़ता है कि आप, क्योंकि जो फास्टिंग वाली विंडो है वो हमारी ज़्यादा है, बड़ी है, और जो हम जिसमें हम खा पी सकते हैं वो विंडो हमारी छोटी है। तो कम टाइम के अंदर हमें ज़्यादा कितना ज़्यादा खा सकते हैं हमें इस हिसाब से उसको एक हमारे साल 6 से 8 घंटे हैं जो हमारे खाने का टोटल टाइम है, जिसमें हमें काफ़ी खाना है, अच्छी खासी कैलोरीज उसमें कंज्यूम करनी है, किसी को 2000 किसी को 3000। तो इसके हिसाब से आपको अपनी डाइट को प्लान करना पड़ेगा। अच्छा, जो मैं इसमें आपको डाइट बताऊंगा, ये इस पर कोई मैं आपको ख़ास नंबर नहीं बताऊंगा कि आप ये डाइट इतनी क्वान्टिटी में लें, इसे आप इतनी क्वान्टिटी में लें, तो वो आपको अपने हिसाब से खुद देखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको एक रूटीन बताऊंगा कि आप किस तरह से किस रूटीन के साथ लेके चल सकते हैं इसको, और थोड़ा समझाऊंगा कि रमज़ान के अंदर आपको बेसिकली करना चाहिए क्या, करना क्या चाहिए, तो ये सारी बात करेंगे इसके अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें मसल बिल्डिंग की। अब जिन लोगों का गोल मसल बिल्डिंग का है तो मैं ये कहूँगा कि वो अपने मसल बिल्डिंग के गोल को इसको रोक दें, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें इसको, बल्कि वो मसल बिल्डिंग के बजाय मसल मेंटेन रखने की कोशिश करें रमज़ान के अंदर। खैर, मैं सबको यही बात बोलूँगा कि रमज़ान के अंदर भले इसका फैट लॉस का गोल है या मसल बिल्डिंग का गोल है, कोई भी गोल है, तो उसको वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दे, ये उसके लिए ही बेहतर है, ताकि आपका मसल लॉस होने से बचे। क्योंकि लोग अक्सर इसे इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरह ले रहे होते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी यही होती है, लेकिन उसके अंदर हम पानी पी सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें खा पी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम पानी भी नहीं पी सकते। तो यहाँ पे हमारा उसके इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर हमें डिहाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, तो मसल लॉस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप मसल को मेंटेन रखने की कोशिश करें, और अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो वो तो बिल्कुल भी ना करें। फैट लॉस जो करना चाहते थे, मैं उनके लिए ये कहूँगा कि अगर उन्होंने पिछले 11 महीनों में कुछ नहीं किया तो अभी 30 दिनों में क्या कर लेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक अपने आप को सिर्फ फिट रखना चाहते हैं, जिनका बॉडी बिल्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं है कि मसल मेंटेन रखना हो, कुछ करना हो, जिनका गोल सिर्फ वेट लॉस है, फैट लॉस नहीं सिर्फ वेट लॉस है, उनका अपना वज़न कम करना है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है, मौका है एक, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग वैसे नहीं हो पाती अगर अलग से करना चाहें तो। ये एक हमारा रमज़ान का महीना है, इसके अंदर हम कर सकते हैं, बहुत से लोगों को इसमें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इसके अंदर अपने थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ा खाना पीना और कम कर दें ताकि उनका वेट लॉस हो, क्योंकि उन्हें ना मसल मेंटेन रखने से उनका कोई ताल्लुक है, ना उनका खाली उन्हें फैट लॉस करना उससे ताल्लुक है, ना वाटर वेट उनका जाए ना उन्हें उससे ताल्लुक, उनका ताल्लुक है खाली उनका वज़न कम हो, खाली उनका वज़न 60 है तो 55 हो जाए, बस उनका ताल्लुक इससे, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। अब ये बात मैं भी जानता हूँ कि रमज़ान के अंदर हम फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसके बाद इफ्तारी के अंदर हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को बनती हैं, इंजॉय करें अपने रमज़ान को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही रूखा सूखा खाने लग जाएं, इंजॉय करें लेकिन लिमिट के अंदर, यानी आप बिल्कुल उस पर इफ्तारी के अंदर टूट नहीं पड़े उसके ऊपर कि आपको जैसे पूरा साल कभी नहीं मिलेगा। और जो लोग ये वाली सोच रखते हैं कि भाई साल में एक बार रमज़ान आता है उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं करें, तो आपकी ज़िंदगी में कितनी बार रमज़ान आया आप पहले ये वाली बात सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बार पहले रमज़ान आ चुका है। तो और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आगे का पता नहीं, इस रमज़ान अगर हम ये कह लें तो आगे रमज़ान हमें मिले नहीं मिले, ज़िंदगी रहे या ना रहे, तो भाई ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आपको ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि हमने ये चीज़ ट्राई नहीं करी, वो तो सबने कह लिया, लेकिन हमने कुछ अचीव करने के लिए, हमने इस तरह से खुद को फिट रखने के लिए, खुद के लिए हमने ये ट्राई नहीं करी, ऐसी बस जैसे हैं ऐसी रह ली है। तो
इस वाली सोच को ख़त्म करें कि ज़िंदगी है या ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा दोबारा। तो कोशिश करें कहने की, ये सारे एक्सक्यूज़ होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते और दूसरों को भी नहीं करने देते, उन्हें भी इन चीज़ों पर टोकते हैं। तो ये सारे एक्सक्यूज़ हैं और कुछ नहीं है, और दूसरों का भी दिल ख़राब करने वाली बातें होती हैं ये। तो इन सारी चीज़ों से बचें और ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी डिग्रेड नहीं करें ऐसी बातें करके। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो सप्लीमेंट BCAA आप लोग उसका इस्तेमाल करें, 1 से 2 स्कूप, क्योंकि रमज़ान के अंदर कैलोरीज का काफ़ी मसला रहता है, ऊपर नीचे होती रहती हैं, और प्रोटीन का भी आपका इसी तरह से रहेगा कि आपके कभी सेट बैठेगा कभी नहीं बैठेगा रमज़ान के अंदर। तो एक्टिविटी भी क्योंकि इंसान की चेंज हो जाती है रमज़ान के अंदर, हर चीज़ पूरी रूटीन चेंज हो जाती है। तो डाइट तो एक अलग चीज़ है, पूरी ज़िंदगी जो पूरा साल रूटीन चलती भी आती है वो इस एक महीने के लिए पूरी रूटीन चेंज हो जाती है सोने की जागने की। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप BCAA का इस्तेमाल करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो नारियल पानी का इस्तेमाल करें, वो आपको पूरा दिन डिहाइड्रेट रहने में मदद करेगा आप लोगों को, आप लोगों की। उसके अलावा योगर्ट का इस्तेमाल करें आप लोग, वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा प्रोटीन के लिए आप लोग चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग वाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको अब वीडियो में आगे चल के बताता हूँ कि आप किस तरह से अपनी डाइट को प्रॉपर सेट कर सकते हैं अपने पूरे दिन के हिसाब से, इफ्तार से लेके सहरी तक की जो टाइमिंग है किस तरह से आप ले सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जिन लोगों का मसल बिल्डिंग का गोल है कि वो मेंटेन के ऊपर आएँ और वो खाली अपनी प्रोटीन इंटेक के ऊपर जोर दें, जो उनकी प्रोटीन इंटेक है वो खाली उसे पूरा करने की कोशिश करें, बाकी जो कैलोरीज हैं दूसरी कार्ब्स और फैट वो उनकी घर के जो बनने वाला इफ्तारी हो गए सहरी हो गए उसके अलावा खाना हो गया उससे उन्हें मिल जाएंगी। लेकिन उसको इस लिमिट में रहते हुए खाएँ कि आपको एक्स्ट्रा फैट ना आए आपकी बॉडी पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए फिर प्रॉपर डाइट चलेगी, वो तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते, यानी डेजर्ट नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते। तो उन सारी चीज़ों से उन्हें बचना पड़ेगा जिनका गोल फैट लॉस है और मसल भी उन्हें अपना मेंटेन करके रखना है, जो उन्होंने पिछले 11 महीनों में मेहनत करके उन्होंने अचीव किया है उनका वो लॉस ना हो। तो आपको रमज़ान में इस चीज़ का ध्यान देना है, जो आपने पीछे मेहनत करके आपने हासिल किया आपका वो लॉस ना हो। तो आपको इस रमज़ान के अंदर कुछ अचीव नहीं करना है, आपको जो है आपके पास आपको उसको सेव करके रखना है, आपका गोल ये रहना चाहिए। तो जिनका गोल फैट लॉस है तो वो क्या करेंगे, वो अपने प्रोटीन का ध्यान रखेंगे और जो कार्ब्स खाएंगे वो भी वो उसका इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनके कॉम्प्लेक्स कार्ब हों, सिंपल कार्ब ना हो, और तली हुई चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी, फैट नहीं खाना, आप फैट्स आप लोगों को नहीं खाने तली हुई चीज़ों में। पकोड़े बनते हैं, रोल बनते हैं, समोसे बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, नगेट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी, मैक्रोनी बनती है, शरबत वगैरह पी रहे होते हैं ये नहीं करना आपको। यानी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपनी डाइट के साथ जिनका अगर फैट लॉस है, और अगर वो भी चाहें तो इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिट के अंदर उन्हें चीज़ें खानी पड़ेंगी। यानी कि अपनी रमज़ान के अंदर अपने प्रोटीन का खास तौर पर ध्यान रखें कि आपका प्रोटीन पूरा हो रहा हो, वरना आपके मसल लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और रमज़ान के अंदर सिर्फ वही लोग डाइट फॉलो कर सकते हैं जो अपनी बॉडी के साथ सीरियस हैं, जो अपनी फिटनेस के साथ सीरियस हैं, जिनको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, जिन्हें कुछ ना कुछ अचीव करना है, वो लोग नहीं जो पूरा साल की 11 महीने सोचते हैं वेट कम करने का, फैट लॉस करने का, नहीं कर पाते और ये सोच बना के बैठे होते हैं कि रमज़ान का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएंगे हम फैट लॉस करना शुरू करेंगे और हमारी बॉडीज अच्छी हो जाएगी। तो भाई आपने अगर उन 11 महीनों में कुछ नहीं उखाड़ा तो आप रमज़ान के इन 30 दिनों में क्या घंटा कुछ उखाड़ोगे? मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि अगर आप 11 दिनों में कुछ नहीं कर सकते तो इन 30 दिनों में क्या कर लोगे आप? सो गाइस, अगर डाइट प्लान की बात करें तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ तैयार किया है डाइट प्लान नंबर। आप लोग डाइट प्लान का अपने हिसाब से करेंगे, ये मैंने अपने हिसाब से उसमें नीचे डाल दिया है, तो आप लोग देख लें, अपना BMI चेक करें, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालें, उसके हिसाब से आपका फैट अपने फैट लॉस के हिसाब से, मसल मेंटेन के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से, जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से करें। वो आपको सारा रिटर्न जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी सहरी से। अब सहरी के अंदर आप ओट मील ले सकते हैं। ओट मील किस तरह से आप सहरी के अंदर आपको पूरा दिन आपको फिर भूखा भी रहना है प्यासा भी रहना है तो उसके अंदर आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ओट मील के अंदर योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करना, अलग से ले खा सकते हैं आप। ओट मील के अंदर आपने जौ का दलिया लिया, ओट जिसे कहते हैं, दूध डाल लिया उसके अंदर। दूध डालें तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें फैट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे थोड़ी हाई के, यानी आपको थोड़ा हाई कैलरी मील लेनी है उसके अंदर सहरी के अंदर। एक इसको आपने प्रोटीन पाउडर का डाल लिया, अगर प्रोटीन पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आपने 3-4 एग वाइट का इस्तेमाल कर लिया ताकि आपका प्रोटीन भी हो जाए। बादाम डाल लिया उसमें, आलमंड्स, पीनट बटर डाल लिया आपने उसके अंदर, काजू, इंजीर, इस तरह की चीज़ें आपने उसके अंदर डाल ली। ये आपकी इस तरह से ओट मील तैयार हो जाएगी। शुगर का इस्तेमाल ना करें और सोडियम भी कम से कम हो आपकी मील्स के अंदर। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसके अलावा आप 1-2 चक्की के आटे की यानी कि गंदम की होल व्हीट रोटी ले सकते हैं। उसके साथ आप एग ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, या तो आप चिकन बना सकते हैं उसके साथ। ये आपकी सहरी इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आपकी रोज़े वाली विंडो है, उसके बाद आपकी इफ्तार की बारी आती है। इफ्तार के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट ऐसा 100-100 कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स खा सकते हैं। ज़्यादा नहीं खाना आपको फ्रूट्स, अपने हिसाब से खाना है आपको कि आपको कितनी नीड है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स होते हैं तो आपको उसके हिसाब से देखना है। आप चिकन ले सकते हैं, बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सही से मिल जाएगा। अच्छा, इफ्तार के हिसाब से अगर आपको रेसिपीज़ वगैरह निकालनी हो तो आपको नेट पे, यूट्यूब पे आप सर्च करें तो आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि ड्यूरिंग रमज़ान 1-2 रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं, लाजमी कोशिश करूँगा मैं अपनी पूरी इंशाल्लाह। आपकी इफ्तार हो जाएगी, इसके बाद नमाज़ पढ़ने आएंगे। उसके बाद जब आप तरावी के लिए जाएंगे तो तरावी 1 घंटा लगता है तकरीबन, तो उससे पहले आप कुछ ना कुछ खा लें। अगर जब नहीं खा रहे तो तरावी से आके आप 1-2 वर्कआउट से पहले लाजमी 1-2 केले खाएं, लाजमी 1-2 बनाना लें एज आ प्री वर्कआउट। उसके बाद आप वर्कआउट करें, इंट्रा वर्कआउट आप पानी कंज्यूम करें कम से कम भी 1 लीटर, और BCAA का आप लाजमी यूज़ करें कम से एक स्कूप, 2 स्कूप नहीं तो 1 स्कूप तो आप लाजमी यूज़ करें BCAA का एज आ इंट्रा वर्कआउट। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट आप अपना वही 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर का लेंगे, अगर वो नहीं ले रहे तो आप 3-4 एग वाइट का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, ये आपका इंट्रा वर्कआउट हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी लास्ट मील होगी यानी सहरी से आपकी तकरीबन 3 घंटे पहले, 3-4 घंटे पहले होगी आपकी मील। आप तरावी पढ़कर तरावी से 10:30-11 बजे तक फारिग हो जाएंगे। उसके बाद जो आप एक्सरसाइज कर कर आएंगे तकरीबन 1-2 बजे की टाइमिंग होगी आपकी, उसके दरमियान आप जो लेंगे तो आप राइस के साथ कुछ भी ले सकते हैं, फ़िश लेना चाहे फ़िश ले सकते हैं, चिकन लेना चाहे चिकन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, जो आपका अफोर्ड, जो आप अफोर्ड कर सकें, जो आप खाते हो आप अपने हिसाब से वो ले सकते हैं राइस के साथ। तो इस तरह से ये आपके, इस तरह से 4 मील आपकी हो जाएंगी उसके अंदर। और कैलरीज़ का आप अपने हिसाब से खुद देखेंगे कि आपको कैलरीज़ इसमें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है इनके अंदर, गैप बहुत कम है, तो आपको इतनी जल्दी इनको भूख नहीं लगेगी आपको इनको खाने के बाद, तो आपको उसके हिसाब से अपनी चीज़ें देखनी है। ये सब आपको रिटर्न मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये मैंने आप लोगों ने कुछ तैयार किया बताया है रेसिपीज़ वगैरह, मैं कोशिश करूँगा डाल दूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर आप लोगों को बताई हैं। जो लोग करते हैं उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें, कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें ना करें। उसके अंदर आप मसल मेंटेन रखने की कोशिश करें, अपने दूसरे गोल्स को थोड़ा जो है ना पोस्टपोन कर दें, आप लोगों के लिए बेहतर है। मैं कटिंग फेज में था तो मैंने भी पोस्टपोन कर दिया, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता, मैं भी खा लेता हूँ। अभी मैंने कल ही एक पिज़्ज़ा खाया है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा मैंने खाया था इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी खाओ, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो, दूसरों को देख के चीज़ें नहीं कर रहे, वो भी कर रहा था मैं भी कर लेता हूँ, वो भी आज़ाद ज़िंदगी जी रहा है यार, वो अपने हिसाब से जी रहा है आप अपने हिसाब से जियो, वो अपनी लाइफ स्टाइल में जी रहा है आप अपनी लाइफ स्टाइल बनाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और कुछ इसे सीखने को मिला हो तो
कमेंट में लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और वीडियो को लाइक लाजमी करना, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके मुझे वहाँ पर फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।